आप लोगों को मिलाते हैं हम अपने गांव के सेल्फी पॉइंट से, और ये शानदार ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ हैं आकाश फौजी, जिनका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे साथ और हमारे गांव के छोटे युवा ये देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अपना अमृत सरोवर है जो हमारे गांव का, वहाँ पहुँच चुके हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आओ जरा कर हमारे साथ। तो आगे की ब्लॉगिंग होगी हमारी टोटली बुंदेलखंड की, शुरू करते हैं। ठीक है ना आकाश भाई? आओ बिल्कुल आओ, बहुत ही अच्छी होगी। आज तुम वीडियो में बने रहियो, अब हम दिखाया तुम्हें, बस तुम देखते ही रहियो, तुम कभी ना डर जो। सीआरपीएफ जवान हम आए, पुराने तालाब है जो सुंदरीकरण भाव है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। आगे चल के दिखाएंगे हम पूरा बाउंड्री दे दी है इसकी। तो आगे की ब्लॉगिंग फिर से हम शुरू करते हैं, और ये देखिए हम चल रहे हैं अमृत सरोवर तालाब जराखर का, हमारा गांव है, बहुत ही सुंदर इसका विकास हुआ है, जिसमें हमारे ग्रामवासियों का सहयोग रहा है। प्रधान जी के साथ हमारे गांव के प्रधान जी हैं श्री कमलेश राजपूत जी, बहुत ही चर्चित हैं विकास के मामले में, तो उनका नाम दूर दूर तक है, क्योंकि यूपी में हमारे ग्राम पंचायत जराखर को विकास के मामले में टॉप 20 पंचायत में शामिल किया था, अवार्ड मिला था। जो भैया हमारे गांव को जो तालाब है ना, विशाल का तालाब, उसके चारों तरफ ये देखिए फुटपाथ बना हुआ है, और ये छावदार वृक्ष लगे हैं। इसके किनारे देखिए अजनबी हैं जो आते हैं बाहर से, लोग दर्शक वगैरह हैं, देखिए इतना बढ़िया छाँव का आनंद ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पर आने से बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि जन्नत है। और आप लोग थोड़ा बताएं गांव का विकास कैसा हुआ है आपका, ऐसा विकास आपने कहाँ पर देखा है यहाँ पे, बताइए गांव में आपको कैसा लग रहा है विकास, मतलब बताइए आप, थोड़ा बहुत बोलिए आप, जो भी बोल पाए आप बोल दीजिए, आप बताइए ऐसा विकास आपने और कहीं देखा है? नहीं, हमने कहीं नहीं देखा ऐसा विकास, जैसे ग्राम पंचायत जराखर में हुआ। यहाँ का विकास कैसा, शहरों की तरह है या नहीं, कैसा है? शहरों से बहुत अच्छा है, शहरों को टक्कर दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। जो सम्माननीय कमलेश प्रधान जी हैं, देखिए प्रधान जी के लिए दो शब्द बोल रहे हैं, प्रधान जी के लिए बहुत बधाई हो, ऐसा विकास हर गांव में हो, बुंदेलखंड में बहुत तरक्की आगे करे। देखिए ये लोग बाहर से आए हैं, कोई बनावटी नहीं है, बिल्कुल अचानक चलते हुए हमने बात की, देखिए सभी लोग तारीफ कर रहे हैं उनके काम का, ऐसा काम ही किया है। ये देखिए हमारा विशाल तालाब है जो गांव का सुंदरता बढ़ाता है, और तालाब की सुंदरीकरण का काम किया है, बहुत ही गजब काम है ये, लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए लाइटें हैं, रात में दूधिया रोशनी आती है इनसे, तब हमारा गांव का तालाब शहरों को फैल कर देता है, बीच की तरह हमें नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, देखते जाइए आप लोग, क्या बढ़िया हरे भरे पौधे लगे हैं, देखिए नए पेड़, देखिए पीपल के वृक्ष लगे हैं, ऐसा ही सुंदरीकरण होना चाहिए सभी गाँव के तालाबों का, अलग फीलिंग होती है। पार्क भी निकल आया है, देखिए चारों तरफ फुटपाथ हो गया, सुबह लोग टहल सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, हरे हरे पौधे लगाए हुए हैं जिनसे ऑक्सीजन मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ लें, युवा हैं अपना रनिंग वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे की ब्लॉगिंग करेंगे हमारे फौजी भाई आकाश जी। तो दोस्तों तो अब हम अमृत सरोवर के जो चारों तरफ से हम घूम रहे थे ना, देख रहे हैं ना, हम आपको पूरा नजारा देख रहे हैं, तो वीडियो में बने रहियो, और हम तुम्हें ऐसे ही वीडियो दिखाते रहे हैं, बहुत ही मजे, पूरा बुंदेलखंडी में ऐसे ही हम तुम्हें मजा दिखाते रहे हैं, तो बस बने रहियो, कहूं जाए क्यों ना,
आज तुम्हें पूरा दिखाए हैं हमाओ जरागर हमारी शान। तो देख रहे हैं ना, हम जो तालाब की तरफ से चारों तरफ से जो चक्कर लगाते रहे ना, जो हमारे जो रामेंद्र मुखिया ना मित्र है, जो कि देख रहे हैं ना चारों तरफ से हम आपको ऐसे ही दिखाते रहे हैं। बस बने रहो तुम, ऐसे ऐसे तुम्हें वीडियो देखे के मिले। अब हम यहाँ से बस थोड़ी देर में देख रहे हैं ओपन जिम है ना, ओपन जिम दिखाएंगे, तो जो कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ना यहाँ का नजारा। बस अब हम ओपन जिम के पास में आ चुके हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो ओपन जिम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बोल रहे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पर सुबह शाम आते हो ना? बहुत ही अच्छा लगता है, तो देरी आते हो। बहुत धन्यवाद, ऐसी एक्सरसाइज करते रहो, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, इसी प्रकार से और देश को नाम करो, गांव को नाम करो भैया, अच्छी बात है। तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट है इसमें, देखिए जिम में आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए तरह तरह के झूले हो गए हैं जो जिम के रूप में बच्चों की एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत ही शानदार नज़ारा, ये देखिए छोटा सा नन्ना सा बच्चा, बहुत ही मजबूत है, देखिए मजबूती चेक कर रहे हैं हमारे फौजी भाई, ये देखिए ये देखिए तालाब का नज़ारा देखिए आप लोग, कितना सुंदर है, बिल्कुल तालाब के किनारे पर ही है ये। ये देखिए बच्चे लंबाई बढ़ा रहे हैं अपना, नहीं लड़िए नहीं भाई, आराम से लगा लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। भाई कैसा लगा हमारा जिम, आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये ओपन जिम बच्चों के लिए है, ये आगे चल के हम आप लोगों को पार्क दिखाएंगे, शानदार पेंटिंग है, इसके नमूने भी आगे दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये देखिए हमारे तालाब के किनारे मंदिर है, जिसकी दीवार पे पेंटिंग देखिए आप लोग, क्या शानदार नज़ारा है। ये देखिए मोर बिल्कुल एकदम साक्षात लग रही है कि जिंदा मोर है, सिर्फ पेंटिंग का नज़ारा है। देखिए कामता राठ जी हैं जो पेंटर, उन्होंने ये पेंटिंग की थी, इतना सुंदर नमूना है। ये देखिए आप बारह सिंगा देखिए, मतलब कुछ सुंदर था, देखिए आप कामता आर्ट के द्वारा बनाई गई और बढ़िया सुंदरता प्रदान कर रहे हैं ये हमारे पर। ये देखिए हमारा तालाब आप लोग देख पा रहे हैं कितना विशाल है, ये देखिए आप लोग बत्तियाँ देखिए आप, इतनी सुंदर बत्ते हैं पेंटिंग में। राधे 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 बोल मना, अब धन का क्या पता, राधे 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 बोल मना। ये देखिए सुंदर नमूना देखिए आप लोग, कितनी बढ़िया पेंटिंग है भगवान जी की मंदिर के द्वार पर, अंतरराज पेंटर ने बनाई है, वो भी कितना बढ़िया काम किया। देखिए दोस्तों अभी हम उसी में आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पे लिए भी कर रहे हैं, बच्चे खूब आनंद लेते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए आप लोग देख पा रहे हैं झूल रहे हैं, देखिए बच्चों आनंद आ रहा है नहीं झूलने में, अच्छा लगता है नहीं बेटा, हो जाते हो दिन में, हाँ आप बेटा मज़ा आता है। देखिए प्यारे प्यारे बच्चे देखिए झूला आनंद लेते हैं, और ये घास लगवाई थी कि रोपाई करवाई गई थी प्रधान जी द्वारा, बहुत ही शानदार है ये, गर्मियों में भी हरी भरी है इस समय, तो बढ़िया देख रहे हैं। देखिए तरह तरह के झूले हैं, देखिए आनंद लेते हैं, और यहाँ पर बच्चों की भीड़ लगी रहती है, बहुत ही चहल पहल रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हरा भरा पार्क है, ये तालाब किनारे ही है, ये देखिए आप बच्चे लटकने के लिए बच्चों को, आप लोग देखिएगा वीडियो ज़रा बताइएगा हमें कैसा लगा हमारा सुंदर गांव, सुंदर तालाब, तालाब का सुंदरीकरण का काम बताइएगा कैसा लगा है। तालाब के किनारे पर हम घूम रहे हैं, देखिए जहाँ पे 5 साल पहले वृक्षारोपण कराया था प्रधान जी ने, आज वो देखिए पेड़ कैसे हरे भरे हैं, क्या कितनी बढ़िया छांव दे रहे हैं,
यहाँ पे निकलते हैं जो भी आगंतुक वगैरह दूसरे गांव के लोग, यहाँ पर रुक जाते हैं, छाँव का आनंद लेते हैं। बहुत ही प्यारी छाँव है इस गर्मियों के मौसम में। इतने बढ़िया पेड़ हो गए हैं, देखिए कदम के वृक्ष हैं जिनमें ग्रामवासियों ने भी सहयोग किया था। वृक्षारोपण के समय मैंने भी मौका मिला था तो किया था। आज ये वृक्ष छाँव देने लगे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। वृक्ष सभी को लगाना चाहिए। देखिए आप कितने सुंदर, इतने बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में। कभी टाइम निकाल के जराकर आए हो, जराकर का बड़ा तालाब है जो उसका सुंदरीकरण देखें। हमारे पूरे गांव में वृक्ष लगे हैं, ये आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा काम किया है ये वृक्ष लगा करके। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी अपने गांव में ऐसे ही विकास करवाने की कोशिश करें।